गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। मैंने आपको 3.5 था कि क्लास मल्टीप्लिकेशन से लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसको मैंने आपको बताया भी, और सेकंड आप लगा भी लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि आपको प्रॉब्लम दिए रहेंगे उससे आपको लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, उसको बना के आपको सॉल्व करना है और वैल्यू को प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप 1-2 क्वेश्चन अपने से लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछेंगे। फाउंड द पेयर ऑफ लीनियर, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाउंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो दिए गए प्रॉब्लम से उसे लीनियर इक्वेशन बनाना है और बना के उसके प्रॉब्लम से फाइंड द सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन को निकालना है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर, जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, दिया है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसमें से व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब उसके न्यूमरेटर से 1 घटा दिया जाता है तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। सबसे पहले तो हमको फ्रैक्शन ही नहीं पता है, लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इज कैलकुलेट x and denominator is equal to y। पहले हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे, then फ्रैक्शन is equal to x upon y, आपका फ्रैक्शन हो जाता है x upon y। देखेंगे according to question, जब उसके नॉमिनेटर से क्या किया जाए, 1 घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3x - 3 = y। लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 3x - y = 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4, वो 1/4 कब हो जाता है, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया जाए, यस y + a = 1/4। ये भी कह रहा है कि जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है तो 1/4 हो जाता है। सॉल्व करेंगे क्लास मल्टीप्लिकेशन से, 4x = y + a, ये इक्वेशन बनाएंगे, बनेगा आपका 4x - y = a। इक्वेशन नंबर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, फर्स्ट है आपका 3x - y = 3 और 4x - y = 8। ये फर्स्ट और इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन में दे दे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, कि इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, जब अगर मेथड का नाम दे दे तब तो उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन यदि मेथड का नाम नहीं देता है तो हम किसी मेथड से सॉल्व करके आप अपना वैल्यू निकाल लेते हैं, आपका गलत नहीं होगा। तो हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया है, जब जो इक्वेशंस होते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इलिमिनेशन मेथड में किसी एक को इक्वल करते हैं, अगर इक्वल नहीं हो तब, यहां पे देख रहे हैं ये इक्वल है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करेंगे इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 4 यस बेटा बचा माइनस यस, और 3 में से 8 क्या बचा माइनस 5, कैंसिल हो जाएगा, यस इज इक्वल टू 5 आपका नाम निकल गया, यस इज इक्वल टू 5, पुटिंग यस इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट।
3x - y = 3। यस वैल्यू 5 पुट करेंगे, 3 × 5 - y = 3, ये हो जाएगा आपका 15 - y = 3 - y = 3 - 15 - y = -12 हो जाएगा आपका y वैल्यू आ गई 12। तो आपका डिनोमिनेटर आ गया x, डिनोमिनेटर आ गया y। तो पूछा है बताइए वो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपने माना है x / y, तो आपका जो आंसर होगा 5/12, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं बता रहा हूं आपको, बाकी आप कराएंगे नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, कह रहा है कि एक हाईवे है, हाईवे मतलब रोड है, एक हाईवे है जिसके दो स्थान है ए और बी। कह रहा है प्लेस और ए, प्लेस ए और प्लेस बी की जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए यह हाईवे है, ये हाईवे जा रही है आपकी, हाईवे तो बहुत दूर तक होगी। मान लीजिए पॉइंट आपका ए है यहां से और यह पॉइंट आपका बी। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार अदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। कह रहा है एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक कार बी से स्टार्ट होती है, एक ही दिशा में। यह हाईवे है, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, इनकी जो बीच की दूरी है वह 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। One car start from A and the car start from B at the same time, एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है। If the cars travel in the same direction, जब कार एक ही दिशा में जा रही हूँ, at a different speed, दोनों अलग अलग स्पीड से हैं, they meet in 5 hours, एक दूसरे के यह मान लीजिए यहाँ पॉइंट C भी मिलती है, जो कि C क्या मान लीजिए इसको मान लीजिए पॉइंट D भी मिलती है। मान लीजिए एक कार चली A से, इसकी अलग स्पीड है, बी कार चल ए कार चली बी से, इसकी अलग स्पीड है, दोनों 5 घंटे चलती हैं, तो एक दूसरे से एक पॉइंट डी पे मिलती है, एक दूसरे से एक पॉइंट डी पे मिलती है। लिखेंगे तो पूछ रहा है इसे दे मीट इन 5 आवर, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, जब एक दूसरे से एक ही दिशा में चलती है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर एट द स्पीड, दोनों कार की स्पीड पूछा है, पहले तो आपको स्पीड ही नहीं पूछा पता है। लिखेंगे स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। कार ए की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो ए को डी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है 5 घंटे का लग रहा है, और बी को भी डी तक पहुंचने में 5 घंटे का ही समय लग रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे कार ए डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 5 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स, 5 घंटे में चली गई दूरी। एक कार चलती है डी तक पहुंचती है, कितना दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस के जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है, फार्मूला कन्वर्ट कर दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस इस कर्टू हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस कर बाय कार ए इन फाइव आवर एट द पॉइंट डी इस कर्टू, पांच घंटे में डी तक पहुंचने में जो दूरी है, मतलब पांच घंटे में समय, मतलब कार ए चलती है यक्स की स्पीड से, तो डिस्टेंस जो होगा यक्स हुए फाइव, यानी आप इसे को फाइव एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन फाइव आवर्स राइट एट पॉइंट डी। बी की जो स्पीड है वाई किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलती है और पांच घंटे में ही समय लेती है यहां पहुंचने में, उसका जो डिस्टेंस होगा एट द पॉइंट डी इज इक्वल टू फाइव वाई। अब बताइए दोनों का जो डिस्टेंस हो, ए यहां से चली फाइव एक्स, ए से डी तक की दूरी है फाइव एक्स और बी से डी तक की दूरी है फाइव वाई। अगर आपको ए भी चाहिए, अगर ए भी चाहिए दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर, तो ए भी जब चाहिए लिखेंगे ए डी माइनस बी डी, देन ए बी इक्वल टू ए डी माइनस बी डी। ए बी है आपका 100 और ए डी है आपका 5x-5y। अगर 5 से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है ये तो दूसरे के एक ही दिशा में, एक कार ए से चलती थी डी तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लगती है, एक कार जो है ए है वो यहां से एस के प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है 5 घंटे में डी तक पहुंचती है, 5x के प्रति दूरी तय करेगी वो, और बी चलती है वाई प्रति घंटे की रफ्तार से और 5 घंटे में डी तक पहुंचती है, तो उसका डिस्टेंस होगा 5y होगा। तो वहां पे एक इक्वेशन मैंने बना दिया। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि ए और बी दोनों एक ही दिशा में पड़ती है, ए चलती है इधर से और बी चलती है इधर से, जब दोनों एक ही दिशा में चलेगी 1 घंटे में 1.6 पहुंचेंगी, मान लीजिए जब ए चलती है इधर से और बी चलती है इधर से, मान लीजिए 1 आवर में यहां पहुंचती है, तो दोनों का जो इक्वेशन बनेगा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन दोनों कार एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों कार एक ही दिशा में जब चलेगी तो 1 घंटे में सी पॉइंट पहुंचती है, ए चलती है यस पर घंटे की रफ्तार से तो 1 घंटा में सी पॉइंट पहुंचती है, बी चलती है वाई पर घंटे की रफ्तार से 1 घंटा में सी पर पहुंचती है, तो इनका जो डिस्टेंस ए और बी की दूरी क्या है 100 है। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कार ए कवर्ड, चाहे से सीधा लिख लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्यों क्यों क्योंकि 1 घंटे की दूरी चलती है तो ए से सी तक पहुंचने में समय रहेगा 1x डिस्टेंस फार्मूले से, और बी से सी तक पहुंचने में 1y एक्स पर दोनों मिलाकर 100 चलती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देखिए थर्ड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन है x plus y is equal to 100। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे y से y का सब्स्टिट्यूट 2x is equal to 120, x is equal to हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। कार ए की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है और यस में आपको पिछले पुट x is equal to 60 इन फर्स्ट पुट करेंगे तो x minus y is equal to 20, यस इक्वल टू 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू -40, वाई की जो स्पीड होगी कार की जो स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर, यह होगी कार की स्पीड।
ये आपका क्वेश्चन सेकेंड और क्वेश्चन फोर हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपका क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर फाइव, जो कि इससे एक साल पहले आया था क्वेश्चन, उसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, देखिए सवाल वन पर्सन, कह रहा है कि रेक्टेंगल है, ना इसका हमको लेंथ पता है ना इसका हमको ब्रेथ पता है, तो सबसे पहले इसका लेंथ और ब्रेथ एक निर्धारित करेंगे, तभी इसकी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू यार्ड्स मीटर इन सेंटीमीटर जो भी हो, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए जो रेक्टेंगल दिया है उसका मैंने माना है लेंथ x और ब्रेथ y माना है, तो इसकी एरिया जो होगी, इसकी जो एरिया होगी x मल्टीप्लाई y, x y होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है एरिया वेक्टर होता है यानी b लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, उसी फार्मूले से इसकी जो एरिया होगी x मल्टीप्लाई y हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स, एक एरिया एक रेक्टेंगल की एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाती है, कब घट जाती है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, जब उसके लेंथ में 5 यूनिट घटा दें और ब्रेथ में 3 यूनिट्स बढ़ा दें। कह रहा है रेक्टेंगल की एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाती है, कब घट जाती है, जब उसके लेंथ में 5 स्क्वायर यूनिट घटा दें और ब्रेथ में 3 यूनिट्स क्या कर दें, जोड़ दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेंथ हमने x माना है, जब इसमें 5 यूनिट घटाएंगे x माइनस 5 हो जाएगा और ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। कह रहा है इसकी एरिया क्या होगी, 9 स्क्वायर यूनिट घट जाती है, क्योंकि जब हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो इसकी भी एरिया x इनटू y होगी, लेंथ भी होगा, तो यहां गुणा कर देंगे, इसको साफ करेंगे तो गुणा कर देते हैं इसका, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 50 इसका एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3x माइनस 5y इसका 9 माइनस 50 माइनस 9 माइनस 50 हो जाएगा 3x माइनस 5y इसका माइनस 24 9 5 14 24 ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब कह रहा है कि उसके लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, एक्स प्लस 3 एंड ब्रेथ 2 यूनिट्स, एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, द एरिया इंक्रीज्ड, एरिया द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67। अब उसकी एरिया क्या होती है, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाती है, एक्स वाई प्लस 60 ठीक है, इसका क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, एक्स वाई प्लस 2x
प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इसका एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन एक्स वाई से एक्स वाई कट गया इक्वेशन मैं आपका टू एक्स प्लस थ्री वाई ये हो जाएगा घटेगा तो हो जाएगा सिक्सटी वन इक्वेशन नंबर राम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड राम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन है आपका थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इस तरफ माइनस ट्वेंटी फोर सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इस तरफ सिक्सटी वन दोनों इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं इसको इलिमिनेशन मेथड से साफ करें अगर इनको इलिमिनेशन मेथड से साफ करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है एक्स एक्स के इक्वल है तो वाई वाई के इक्वल है कोई किसी के इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करने के लिए आपको तरीका बताए हैं देखिए अगर हम वाई को इक्वल करते हैं ऊपर थ्री से गुणा कर देंगे नीचे फाइव से गुणा कर देंगे इक्वल हो जाएगा उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन एक बार थोड़ा मिला लेते हैं इसको लेंथ एक्स ब्रेथ वाई ये क्या एक्स वाई हो गई काटे को क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लेंथ में से एक्स माइनस फाइव या लेंथ में से फाइव को छुटाया जाए और ब्रेथ में थ्री यूनिट जोड़ा जाए तो उसकी एरिया जो है नाइन स्क्वायर यूनिट घट जाती है तो गुणा करते हैं एक्स वाई और प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फिफ्टीन माइनस 15 इसका 2x y माइनस 9 तो यहाँ पे हो जाएगा x x y कट जाएगा और 15 में से 9 जब घटेगा तो आपका बचेगा 6 15 में से 9 जब घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 6 सेकंड में देख लेते हैं पहले में करा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड विड्थ लेंथ में 3 जोड़ते हैं विड्थ में इतना जोड़ते हैं तो एरिया 67.  स्क्वायर रूट बढ़ जाती है तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इसका 2x वाई ट्रांसफर जाएगा 2x प्लस 3y इसका 61 सही है इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इक्वल करते हैं इक्वल करने के लिए हम देखते हैं कि न एक्स इक्वल है न वाई इक्वल है और इसको इक्वल करने के लिए ऊपर वाले में 3 से गुणा करते हैं और नीचे वाले फाइव से थ्री सिक्सा नाइन एक्स थ्री फाइव का 15y और थ्री सिक्सा 18 ये हो जाएगा फाइव टू जा 10x फाइव थ्री जा 15y इसकल टू फाइव से गुणा करेंगे फाइव वन जा फाइव और फाइव सिक्सा 12 देख लीजिए कुछ करना नहीं प्लस माइनस आगे कट जाएगा कुछ घटाएंगे भी नहीं ये 19x इस पर टू हो जाएगा जोड़ देंगे आठ पांच 13 और ये हो जाएगा 2 18 तो यक्स इस पर टू हो जाएगा 323/19 काट देते हैं इसको 90 बन जा 90 38 90 बन जा 90 90 बिठा दिया बचा 3 बचा और 19 6 100 97 133 देखिए 90 बचा 90 90 बचा 3 और यहाँ बचा 2 133 और 97 होता है 133 कट जाएगा यस इक्वल टू 17 यस कितना आ गया उसका ओरिजिनल लेंथ 17 आ गया और ब्रेथ आ जाएगा 14 put x equal to 17 in equation first equation है 3x minus 5y equal to 6 x value put करते हैं 17 की जा 17 minus 5y equal to 6 17 की जा 51 minus 5y equal to 6 minus 5y equal to 6 minus 51 घटा देंगे तो आपका y आएगा minus 5y equal to minus ही आएगा कम में से ज्यादा घट रहा है तो इलेवन से फाइव फोर 45 आएगा वाई इस पर हो जाएगा 9 लेंथ कितना आएगा 9 ये आपका आंसर है पूछ रहा है आपसे बताइए कि उसका लेंथ रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ कितना होगा फाइंड डायमेंशन का मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछ रहा है
एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन फोर है, यस स्कोरेड 40 मार्क्स इन टेस्ट। यस स्कोरेड 40 मार्क्स इन टेस्ट। यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लास्टिंग 1 फॉर इच रॉन्ग आंसर। हाई 4 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? कह रहा है yes scored 40 marks in the test. इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, लगा लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। yes scored 40 marks in the test. yes एक टेस्ट में 40 marks कब पाता है? getting 3 marks for each right answer and passing 1 mark for each wrong answer. देखेंगे इसमें how many questions in the test, कितने टेस्ट में, देखिए how many questions where in the test. लिखेंगे फर्स्ट राइट और पहले राइट के लिए एक्स मान लेंगे, राइट के लिए वाई मान लेंगे और उसके बाद पहले कंडीशन में एक क्वेश्चन बनाएंगे। आपका होमवर्क ये रहेगा, सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन वन एंड सॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड 4 का थर्ड आप लोग लगा के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं उसको देखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कल देखते हैं।